महंगाई का विरोध, डीजल पेट्रोल और रसोई गैस के बढ़ते दामों के विरोध में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता का प्रदर्शन। शहर जिला महिला कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। शिवपुरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष इंदु जैन के नेतृत्व में जिला महिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में केंद्र सरकार की ओर से निरंतर बढ़ाए जा रहे पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया और एक ज्ञापन सौंपा। यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन महिला कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है वो पेट्रोल डीजल के दाम दिन के दिन बढ़ते जा रहे हैं और गैस सिलेंडर के दाम तो आसमान छू रहे हैं और खाद्य पदार्थों को भी सरकार ने छोड़ा ही नहीं है। खाद्य पदार्थ, तेल, हर चीज़ में महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है तो उन मांगों को लेकर महिला कांग्रेस रोड पर उतरी है, सड़क पर उतरी है और वहीं अपना खाना पीना बनाना उन्होंने शुरू किया है। ये प्रदर्शन जब तक रहना चाहिए जब तक कि जो अंधी गूंगी बहरी सरकार इस पर कोई रिएक्शन ना ले ले, जब तक इन दामों को कम ना करें, क्योंकि आज वो दिन है हम महिला कांग्रेस की तरफ से कम 5-6 ज्ञापन हम दे चुके हैं लेकिन ये अंधी और गूंगी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पेट्रोल और डीजल भी आसमान छू रहे हैं, कम मतलब और कम करने पर जब सरकार उतरती है तो कहती है 10 पैसे कम कर दिए, 20 पैसे, ये तो मजाक उड़ाना हो गया, जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना हो गया एक तरह से। तो ऐसे में मजदूर आदमी क्या करे, अच्छे से अच्छा मिडिल आदमी, मध्यम वर्ग आदमी, निम्न स्तर वर्ग आदमी पूरा खत्म हो चुका है। रोड पर स्थिति नहीं है, लोगों के बैठने की हालत हो गई है आज के टाइम।